इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम दुबई में मुनक्किद होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसएम बख्तावी की क़यादत में सनअतकारों और ताजरों का 160 वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, दुबई और खलीजी ममालिक समेत पूरी दुनिया से आलमी सरमायाकार शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और SIFC के नुमाइंदे आलमी सरमारों को ब्रीफिंग देंगे। SSFR बख्तावी की तरफ से ICCI बिजनेस कॉन्फ्रेंस की शिरकत के एजाज में इशाया दिया गया। 180 से ज्यादा डेलीगेट्स ने इशाया में शिरकत की। शिरकत से खिताब करते हुए ICCI के सदर SSFR बख्तावी ने कहा कि 24 करोड़ की बड़ी मार्केट दुनिया के दो बड़ी मस्जिदों के साथ बाकी पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए जन्नत है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SN बख्तावी ने कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान जिन माशी मसाइल का शिकार है, इससे निकलने का पायदार हल सरमायाकारी में ही है। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशा है। दुबई बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कॉन्फ्रेंस के जरिए आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूदा मौके के हवाले से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान में मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में कौमी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए एक मजबूत निज़ाम वज़ा किया गया है। सदर ICCI ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में कायम होने वाली नई हुकूमत नए अज़म और पॉलिसियों तसलसल के साथ काम करेगी और मुल्क में आलमी सरमायाकारी को लाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखेगी। इन्होंने कहा कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने पहले ही खिताब में तमाम सियासी जमातों को मिसाक मईशत की पेशकश की है। सियासी क़यादत इस हवाले से मस्बत रद्द अमल का इजहार करे और कौमी यकजहती का सबूत दे। याद रहे ICCI दुबई बिजनेस कॉन्फ्रेंस आज दुबई में मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सरमायाकार शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में दुबई में पाकिस्तानी सफारती मिशन, कौमी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के हुकाम सरमायाकारों को ब्रीफिंग देंगे।